जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पांडे, मैंने इतिहास विषय से लगातार 5 बार UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, 6वीं बार मैंने JRF की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों से मैंने सेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। संघर्षों के इस सफर में स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान बोधक, उठो जागो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत रही हैं। सबसे पहले इस पेपर के पैटर्न की बात कर लिया जाए, इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं जो 300 नंबर के होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के होते हैं और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। सब्जेक्ट में यदि बात इतिहास की किया जाए तो इसमें तीनों इतिहास, जिसमें से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों ही इतिहास के प्रश्न आते हैं। लगभग 30 से 35 प्रश्न प्राचीन भारत के और लगभग 30 से 35 प्रश्न मध्यकालीन भारत के और लगभग 30 से 35 प्रश्न आधुनिक भारत के आते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 4 से 5 प्रश्न इतिहास दर्शन के आते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट में लगभग 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो छात्र पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले वो NCERT पढ़ें, जिसमें से प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा का, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा का और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा का। सबसे पहले तो NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त मैंने प्राचीन भारत के लिए सौरभ चौबे सर का पुरानी वाली किताब पढ़ी थी। इसके अतिरिक्त अगर कोई छात्र चाहे तो KC श्रीवास्तव सर की किताब भी पढ़ सकता है। यदि बात किया जाए मध्यकालीन भारत का तो इसके लिए मैंने LP शर्मा सर की किताब पढ़ी थी। अगर कोई छात्र चाहे तो हरिश्चंद्र वर्मा सर की किताब भी पढ़ सकता है। आधुनिक भारत के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी थी। इसके अतिरिक्त अगर कोई छात्र चाहे तो परीक्षा वाणी की किताब भी पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने AGP पब्लिकेशन का किताब लिया था। इसके अतिरिक्त जब एग्जाम पास में था तो मैंने ग्रेड अप चैनल पे कई मॉक टेस्ट भी दिए थे जो एग्जाम के दौरान काफी मददगार साबित हुआ। लगभग 4 से 5 प्रश्न इतिहास लेखन के आते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के आते हैं। इसके लिए तो बस यही कहना चाहेंगे लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, एग्जाम के दौरान ये काफी मददगार साबित होंगे। मेरे हिसाब से परीक्षा में सफलता परीक्षा से पहले की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। क्वांटिटी मायने नहीं रखता, क्वालिटी मायने रखता है। याद रखें आप कितना पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक सटीक स्ट्रेटजी बना के यदि 4 से 5 घंटे की नियमित पढ़ाई की जाए तो मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है। अंत में जो छात्र पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि होके मायूस नहीं, शाम की तरह ढलते रहिए, जीवन एक भोर है, सूरज सा निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे साहब, धीरे धीरे ही सही लेकिन राह पे चलते रहिए। धन्यवाद।